नोएडा, ग्रेटर नोएडा, येडा, पिछले 3 सालों में प्रॉपर्टी की कीमत कहाँ चली गई है ये आप सब जानते ही होंगे। यहाँ ही नहीं, इनफैक्ट अक्रॉस द नेशन या अक्रॉस द नेशंस मोस्टली कहाँ चली गई है आप जानते ही होंगे। तो थंबनेल देख के अगर आप ये सोच के इस वीडियो पे आए हैं कि आज मैं कोई अच्छी लोकेशन इन्वेस्टमेंट के लिए बताने आया हूँ तो आप ठीक सोच रहे हैं। आज बात करेंगे इस सेक्टर की, इस लोकेशन की, जिसके एक साइड पे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, एक साइड पे यमुना एक्सप्रेसवे है और एक साइड पे कालंदी कुंज रोड है। ये देख रहे हैं हम कालंदी कुंज रोड, ये इधर है कालंदी कुंज रोड। थोड़ा अंदाज़ा देता हूँ आपको, इस सामने ओखला बर्ड सेंचुरी देख रहे हैं आप जसोला सरिता विहार साउथ ऑफ दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो कालंदी कुंज रोड लेते हुए अगर आप आ रहे हैं तो कालंदी कुंज रोड सेक्टर 135 तक कंप्लीट बन चुका है। और सेक्टर 135 से सेक्टर 150 तक का जो कालंदी कुंज रोड का पैच है वो अभी ऑन होल्ड है बिकॉज ऑफ टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। एक FNG फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे, जिसका काम काफ़ी जगह हो चुका है, और मेनली एक पैच जो यमुना नदी के ऊपर से जाना है तो उसके फंड्स को एलोकेट करने का अभी सेटलमेंट नहीं हुई है। यूपी गवर्नमेंट कहते हैं हरियाणा गवर्नमेंट बियर करेगी वो कॉस्ट, और हरियाणा कहती है यूपी गवर्नमेंट जो फार्मर्स को कंपनसेशन देना और जो ब्रिज बनना है। तो अभी काफ़ी एडवांस स्टेज पे ये सेटलमेंट पहुंच चुकी है तो होपफुली काम जल्दी रिज्यूम हो जाएगा FNG का इस पार्ट का। तो एक ये प्रोजेक्ट, दूसरा प्रोजेक्ट है DFC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विच इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट डन। ये मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये सामने जो आप देख रहे हैं ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इस पे एक वीडियो भी बनाया था 3 साल पहले, लिंक डाल दूंगा। तो ये दोनों इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो सेक्टर 135 से जो सेक्टर 150 का जो पैच है उसे कंप्लीट कर दिया जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि सेक्टर 150 से यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ एक डाइवर्जन निकलेगा जो कालंदी कुंज रोड और यमुना एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर देता है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि आने वाले समय पे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे लोड बहुत बढ़ जाएगा अगर कोई और ऑल्टरनेट नहीं होता है तो। क्योंकि एयरपोर्ट भी रेडी हो जाएगा विद इन अ ईयर, उसका ट्रैफिक यमुना एक्सप्रेसवे पे यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं और ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, ये सब आप देखेंगे विद इन 6 to 8 months। जो भी मैं बात कर रहा हूँ अभी, वीडियो जब भी अपलोड होगी आप देखेंगे ये सब वहाँ पे आपको नज़र आएगा। तो वो एक फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इसको प्लान किया गया था। और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के साथ एक ये पैरेलल चलता हुआ रोड है जो सीधा आपको बिना नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे आए आपको यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर देता है। और हमारी जो आज जिस साइट के लिए बात कर रहे हैं हम, उसको बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। तो बात कर रहा हूँ आज मैं सेक्टर चाई फाइव की, और सेक्टर चाई फाइव में आबादी प्लॉट्स की, जिन्हें कि किसान कोटा और 6% वाले प्लॉट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या है इस लोकेशन में जो कि इस कैटेगरी ऑफ प्लॉट्स को बेहतर बनाती है एज़ कम्पेयर टू अदर लोकेशंस? पहले इस लोकेशन के आसपास क्या है जो इसका बेस इतना स्ट्रॉन्ग करती है वो समझ लेते हैं। तो सेक्टर चाई फाइव में काफ़ी सारे ग्रुप हाउसिंग्स हैं जिनमें कि क्लोज टू 15,000 प्लस की आबादी होगी। और एक और अच्छी बात साथ में ये है कि यहाँ पे जो मिक्स ऑफ ग्रुप हाउसिंग्स हैं वो बहुत अच्छा है। तो ये सेक्टर केटर करता है बजट हाउसिंग से लेके एक प्रीमियम सेगमेंट तक को। और दूसरा पॉइंट है ये 500 एकड़ में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। तीसरा पॉइंट है ये 700 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पे टेक जोन, जहाँ पे मेनली IT प्लॉट्स हैं बड़े, जहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑपरेशनल है, मेनली वीवो है अभी वहाँ पे, कोफॉर्ज जैसी एक बड़ी कंपनी ऑपरेशनल है यहाँ पे, स्टेलर के IT पार्क में लीजिंग स्टार्ट हो चुकी है, और जो खाली प्लॉट्स थे उनमें न्यू बायर्स आ चुके हैं और अब वो यहाँ पे डेवलपमेंट को और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। फोर्थ पॉइंट है सेक्टर 150, जो कि नोएडा का ऐसा मोस्ट प्रीमियम सेक्टर डेवलप हो रहा है, और उसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद सेक्टर चाई फाइव
ये पीछे देख रहे हैं सेक्टर 150 नोएडा और ये सेक्टर चाय 5। तो सेक्टर चाय 5 के किसान कोटा प्लॉट्स को एक बहुत बड़ा एडवांटेज देगा ये। अभी मैंने आपको सेक्टर चाय 5 के आसपास में जो प्लस पॉइंट्स हैं वो बताए, लोकेशन के क्या एडवांटेजेस हैं वो बताए, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी लोकेशन के साथ कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, हर एक लोकेशन के साथ कुछ ना कुछ रहता ही है, बट वो क्या है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ज़्यादातर देखा गया है कि किसान कोटा प्लॉट्स की जो लोकेशन है वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ के पास में है और बेचने वक्त उसका एक एडवांटेज जो बताया जाता है कि ये बड़ी MNC 150-200 acres के प्लॉट पे आएगी और आपका प्लॉट पास में होगा तो यू विल गेट दी बेनिफिट, और वो मिलता भी है। बट बात समझने की ये है कि सिर्फ वो इंडस्ट्रियल एरिया के पास में हो तो वो एक उसकी लिमिटेशन भी बन जाती है। ज़रूर एक प्लॉट 200 एकड़ का है, कोई बड़ी कंपनी है, बट उस सेक्टर के अंदर और भी प्लॉट्स हैं जो दूसरे कैटेगरी में छोटे प्लॉट साइजेस भी हैं, 2000, 1800, 500, 300 meters के प्लॉट्स भी हैं। तो वहाँ पे छोटे फैक्ट्रीज आएंगे और वर्कफोर्स दूसरे कैटेगरी में रहेगी। तो मेनली वो सेक्टर में जो जॉब क्रिएशन हो रही है वो एक ब्लू कॉलर जॉब बेस्ड है ज़्यादा, और वही आपका क्लाइंट है, चाहे अब आप वहाँ रिटेल खोल रहे हैं या फिर आप कोई अकोमोडेशन रेंट पे देने के लिए बना रहे हैं, PG, गेस्ट हाउस, कुछ भी। ऑन दी अदर हैंड चाय 5 की अगर मैं बात करता हूँ तो अपार्ट फ्रॉम कनेक्टिविटी एडवांटेजेस, इसके आसपास में आपको गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी मिल रही है। इनफैक्ट गलगोटिया के बच्चे भी सेक्टर चाय 5 में आते हैं, तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो वहाँ के बच्चा आपका क्लाइंट है। टेक जोन जो कि जहाँ पे IT कंपनीज हैं और आने वाले टाइम में और आने वाली हैं, और वहाँ का जो ब्लू कॉलर जॉब है वो कस्टमर आपका है। सेक्टर चाय 5 के अंदर एक बहुत अच्छा मिक्स है ऑफ बजट हाउसिंग टू लेके प्रीमियम सेगमेंट तक का, वो सारा क्लाइंट बेस आपके लिए है। सेक्टर चाय 5 के साथ में जो प्रीमियम सेक्टर लगा हुआ है नोएडा का सेक्टर 150, ये जो मैंने डाइवर्जन बताया आपको सेक्टर 150 से जो चाय 5 की तरफ आएगा वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज देगा, क्योंकि हार्डली मतलब लेस देन अ मिनट का ड्राइव हो जाएगा वो। अभी तीन एक मिनट लगते हैं, बट वो तो वर्चुअली मतलब कुछ रह ही नहीं गया टाइम, आप एक मिनट में चाय 5 टू 150, 150 टू चाय 5 कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो 25-30 हज़ार की आबादी उस सेक्टर में आएगी और मेजॉरिटी जो कि एक प्रीमियम सेगमेंट होगा, उसका जो जो कमर्शियल की रिक्वायरमेंट होगी, देखिए मॉल के अंदर एक तरह की चीज़ें आती हैं, एक सोसाइटी शॉप्स में एक तरह की, एक लोकल मार्केट का सेटअप एक अलग तरीके से होता है। मैं कोशिश करूँगा वीडियो में मैं कुछ जो अभी तक किसान कोटे की प्लॉट्स की डेवलपमेंट हुई है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, कुछ क्लिप्स में बीच में ऐड कर सका तो मैं करूँगा आपको एक अच्छा एक आइडिया देने के लिए कि कैसी डेवलपमेंट आएगी यहाँ चाय 5 में। तो सेक्टर 150 के जो रेजिडेंट्स हैं उनको उनकी कमर्शियल रिक्वायरमेंट ये सेक्टर बहुत अच्छे से पूरी करेगा। मेन रोड पे रिटेल आ जाता है जो देखा गया ऑब्जर्वेशन में, मेन रोड के पीछे जितना है वो रेसिडेंस, ऑब्वियसली रेसिडेंस में यूज़ में आ जाता है एंड PG गेस्ट हाउस में यूज़ में आता है, और ग्रेटर नोएडा में तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये PG गेस्ट हाउसेस का उसकी इकोनॉमी में ग्रेटर नोएडा की, ये सब क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स ही बहुत हैं और पिछले कुछ सालों में MNCs बहुत आए हैं और IT कंपनीज का भी अब आना बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये एक बहुत एडवांटेज है। और यहाँ से तो चाय 5 के साथ में टेक जोन लगता है वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो एक तरफ आपका क्लाइंट बेस कम्फर्ट ओरिएंटेड है, उसको कम्फर्ट चाहिए आप उसको वैसी सर्विसेज केटर करेंगे, और एक जगह जहाँ एक बेसिक रिक्वायरमेंट है मतलब एक सर्वाइवल मोड वाला एक क्लाइंट है तो वो वहाँ पे वैसी डेवलपमेंट होती है, एक तरफ जहाँ उसको सर्वाइवल से ऊपर उठ चुका है उसको वैसी रिक्वायरमेंट है, तो यू गेट मोर। अगर आप रेंट पर्पज़ से कर रहे हैं रेंटल यील्ड अच्छी मिलती है, आप कोई और बिजनेस प्लान कर रहे हैं आपको अच्छा क्लाइंट बेस मिलता है, कस्टमर मिलता है, और कहीं ना कहीं आपको रेंटल यील्ड्स के साथ में फिर वो एरिया कैसा डेवलप उभर के निकला है उसका कैपिटल एप्रिसिएशन में भी बहुत फ़र्क दिखेगा आपको। फिर एक जगह जो एक ब्लू कॉलर जॉब ओरिएंटेड
सारी डेवलपमेंट हुई है, और एक जगह जहाँ मिक्स ऑफ एवरीथिंग प्लस वाइट कॉलर जॉब्स और प्रीमियम क्लाइंट बेस। तो इससे बेहतर लोकेशन मेरे को तो किसान कोटे के लिए तो स्पेशली समझ में नहीं आई है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि इस लोकेशन का क्या एडवांटेज मेरे को पर्सनली लगता है, वो ये कि मार्केट अभी पिछले समय से बहुत तेज़ है, तो तेज़ी में सॉरी तेज़ी में सब कुछ बिकता है, और जब स्लो होता है मार्केट तब अच्छी अच्छी चीज़ें भी नहीं बिकती। बट इसको क्या एडवांटेज मिलता है चाय फाइव को, कि जैसे ही सेक्टर 150 से कनेक्टिविटी आती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो जाएगी फॉर रिटेल प्लॉट्स, और टैग जोन जैसे जैसे डेवलप हो जाएगा, काफ़ी डेवलप्ड है, और जैसे और बिल्डर्स वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और कंप्लीट करते हैं वहाँ पे, और कंपनीज आती हैं तो अकोमोडेशन के लिए रिक्वायरमेंट बढ़ती है, उधर से रिटेल की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो मार्केट में स्लो डाउन भी होगा ना, तो बिकॉज ऑफ डिमांड आपको ये लोकेशन आउट परफॉर्म करती दिखेगी और लोकेशंस के मुकाबले, क्योंकि जेन्युइन डिमांड है। डिमांड सप्लाई तेज़ी है मंदा है एक मैक्रो लेवल पे एक अलग बात है, बट इसकी जो माइक्रो मार्केट है ना उसको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगी, चाहे मंदा है तो भी और तेज़ी में तो सोने पे सुहागा खेल लो। ठीक है जी, नमस्ते।